अच्छा, आज की क्लास में हम जितनी भी ऊपर के ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं और सेव करते वक्त जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं, कोई भी शेप ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ मैंने इसको डुप्लीकेट किया। तो ऊपर मेरे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। जब मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, सबसे पहले है अंडू। अगर आपने अंडू जाना है यानी वापस जाना है, तो अंडू का ऑप्शन है हमारे पास। वापस यानी वो स्टेप बैक कर लेता है कोई भी चीज़, लेकिन ये सिर्फ 3 स्टेप्स या 2 स्टेप्स तक महदूद है। बाकी यानी ज़्यादा आप बैक नहीं जा सकते, सिर्फ थोड़ा सा जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मूव का टूल है। मूव के टूल के जरिए आप आसानी से एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा फासले के जरिए आप उसको मूव कर सकते हैं आराम आराम से। यानी आप अगर उंगली की मदद से नहीं कर सकते तो यहाँ से इसके जरिए भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मूव करना हो आपने। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, इसके दरमियान में आपको ये 4 कोने नजर आएंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और ऑप्शन बॉक्स खोल जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूं तो आपको सही समझ आ जाएगी। इसको मैं स्प्लिट लाइन कर लेता हूं। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट चाहिए, एक लाइन की टेक्स्ट चाहिए मुझे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको सेलेक्ट किया है। मूव के टूल पे जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वो ऑप्शन आ रहे हैं अभी भी। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम टेक्स्ट वगैरह मूव करते हैं तो अचानक ये वाली जो पॉइंट है वो पकड़ लेते हैं और इस तरह टेक्स्ट खराब हो जाते हैं, या इस तरह अचानक कम होती हो जाती है, या इस तरह खराब हो जाती है। यानी उसकी पोजिशनिंग में फर्क आ जाता है या उसके साइज में। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पर ऑप्शन रखे हैं, यानी आप अपनी मर्जी से ये जो पॉइंट्स हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी नीचे से मुझे पॉइंट नहीं चाहिए, तो अब नीचे से पॉइंट नहीं है, अगर मैं यहाँ से पकड़ भी लूँ तो ये खराब नहीं होगा, यानी उसके टेक्स्ट में के साइज में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों के पास ये पॉइंट्स कम आएंगे तो आपने घबराना नहीं है, और यहाँ से दोबारा से वो पॉइंट्स ऑन करना है, ऑन करने हैं, आप इजीली ऑन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एंगल का। यानी अगर मैंने इसको मूव करना है तो इजीली मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, यानी उसके एंगल को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप एक खास एंगल में किसी चीज को चेंज करना चाहते हैं, यानी ये जो है 180 पे है, मैं इसको 190 पे करना चाहता हूँ, यानी फिक्स इस तरह सीध में हो, तो क्या करेंगे। यहाँ से ये हमारे पास मूव के ऑप्शंस हैं, लेकिन मूव के ऑप्शन के साथ यहाँ से एंगल भी दिया गया है कि मुझे कितने एंगल पे इसको चेंज करना है। मुझे चाहिए कि मैं इसको 30 एंगल पे चेंज करूँ। यानी 30 एंगल पर चेंज करूँगा तो एक दफ़ा यहाँ प्रेस करूँगा ये 30 एंगल पे चेंज हो गया है, दोबारा करूँगा तो ये 60 हो गया है, दोबारा क्या तो ये 90 हो गया, बिल्कुल सीध में। तो ये बिल्कुल सीध में आ गया है। यहाँ से आप एंगल को ज्यादा करके कम करके एक साथ में चेंजेस कर सकते हैं, उसको एंगल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टूल है वो है अलाइन। अलाइन की टूल में आप देख सकते हैं के जैसे के नाम से जाहिर है कि किसी चीज़ के अलाइनमेंट करना, यानी उसको एक सीध में रखना। तो मुझे ये कुछ ऑप्शंस यहाँ ऊपर आ रहे हैं, यानी ये अगर इस लाइन को मैं इस तरफ सीधा करूँगा तो ये ऑप्शन इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इस तरह ये वाला इस साइड में, एक मिनट, यहाँ से मैं कोई शेप ले लेता हूँ फिर से। ठीक
ठीक है, ये अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर मैंने इसको चेंज करना है, इस साइड पे लेके आना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये खुद बहुत एक साइड पे आ जाएगा। इस तरह अगर दरमियान में रखना है तो मैं इसको इस फंक्शन के ज़रिए ला सकता हूँ, बिल्कुल सेंटर दरमियान में। अगर इसको इस साइड पे लेके आना है तो इस तरह इस फंक्शन के ज़रिए हो सकता है। इस तरह बाकी भी है, यानी ऊपर की साइड पे अगर आपने रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ऊपर टच हो रहा है। इस तरह मुझे नीचे टच होना है तो नीचे की तरफ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, नीचे की साइड पे आ जाएगा। दरमियान में रखना है तो दरमियान में आ जाएगा। अगर बिल्कुल सेंटर में रखना है तो ये वाली और ये वाली दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अगर इस तरह आपके पास दो एलिमेंट्स हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो एलिमेंट आ गए हैं, यानी दो शेप्स आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपस में उसका उसकी अलाइनमेंट जो है वो भी इसी तरह हो सकती है। यानी एक दफा अगर मुझे, एक मिनट मैं ये थोड़ा सा इसकी लोकेशन चेंज कर दूँ ताकि पता चले आपको। अच्छा, ये दोनों को मैंने आपस में अलाइन करनी, आपस में इसकी तरतीब सेट करनी है, तो दोनों को मैंने सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, पहले लेयर में जाके उसके बाद अलाइन में जाना है। अलाइन में अगर एक ये सिरा और ये सिरा आपस में बराबर करना है तो मैंने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपस में बराबर हो गए, इसके साथ बराबर नहीं हुए, ठीक है। इसके साथ बराबर करने के लिए दोबारा मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके साथ बराबर हो जाएंगे। तो ये इस तरह के इसमें चीजें हैं, आप छोटी छोटी चीजों को आपने देखना होगा, ठीक है। तो अब ये दोबारा से भी तरतीब कर दिया है मैंने, इसको दोबारा से एक तरतीब देना चाहते हैं हम, दरमियान में रखना चाहते हैं, बिल्कुल आपस में ये दरमियान में हो, सिर्फ मुझे इस पेज के दरमियान में नहीं रखना, कैनवस के दरमियान में नहीं रखना, सिर्फ आपस में आपस में सीध में रखना है, तो ये मैं दरमियान में कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर ये इधर भी है, अगर मैं इसको कैनवस के दरमियान में रखना चाहता हूँ तो दोबारा क्लिक करके कैनवस के दरमियान में आ जाता है। इस तरह ये साइड पे और जो भी ऑप्शन है सारे आप चेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स को भी ये एक सीध में रखता है और कैनवस के जहाज से भी ये फंक्शन जो है आपके काम के आते हैं। उसके बाद हमारे जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, यहाँ से मैं कोई और शेप ले लेता हूँ ताकि ये वाली शेप ले लेता हूँ ताकि पता चले कि कौन सी साइड किस तरफ है, ठीक है। ये नीचे के ऑप्शंस पे मैं आप डिस्कस करने लगा हूँ आपको, ये शेप पे इतने पता नहीं चलेगा इसका, मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ये एक पीटीआई का भेजा है, इसको चेक करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको चेंज करने लगा हूँ, यानी ये फंक्शन जो है मैं चेक करने लगा हूँ कि इसके क्या क्या फंक्शन है। ये जो फंक्शन है, यानी ये फ्लिप कर लेता है किसी भी चीज को, यानी ये उल्टा कर लेगा, ये नीचे के साइड ऊपर, ऊपर की साइड नीचे, ये वाला ऑप्शन ये देखें, दोबारा क्लिक करेंगे सीध में एक मतलब ये उलट, ठीक है। इस तरह ये वाला जो है ये साइड से उलट कर लेता है, यानी इस तरफ का जो साइड है ये इस साइड साइड पे आ जाएगा और ये साइड जो है ये उस साइड पे आ जाएगा, ये देखें। तो ये जो है ये दो ऑप्शंस आपके लिए इस वजह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैं नया डिजाइन ओपन कर लेता हूँ, ये वाला मैं ओपन कर लेता हूं।
अच्छा, तो ये एक डिजाइन है हमारे पास, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेयर्स हैं इसमें। मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो है 23 मार्च जो में पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे लेके लेना ले लेना चाह रहा हूँ कि इसको सबसे नीचे हो, या ये जो मीनारे पाकिस्तान है ये सबसे टॉप पे हो, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे टॉप पे लाने के लिए हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे ले जाने के लिए हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सबसे नीचे आ गया, ये क्लियर, ठीक है। और सबसे टॉप में लाने के लिए दोबारा ये वाला, तो ये आप यहाँ पर दोबारा चेक करेंगे तो ये वाला देखें, ये लेयर सबसे टॉप पे आ गया। ये लेयर यहाँ से भी कंट्रोल किया जाता है, नहीं आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, सबसे नीचे, सबसे ऊपर, दरमियान में, इस तरह। अच्छा, यहाँ पर दो और ऑप्शंस भी हैं। अगर हम इसको चेक करें तो इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले ले जाने के लिए मैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल करूंगा। ये देखें, लेयर बाई लेयर नीचे नीचे जा रहा है, सबसे नीचे चला गया। दोबारा वो ऊपर एक एक लेयर स्टेप ऊपर आना है, तो इस ऑप्शन के जरिए आप ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है ऊपर, वो है सेव। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जब भी आप कोई साइज ले लेते हैं स्टार्ट में, वो यहाँ पर कोई साइज यहाँ पर रहता है, ठीक है। अगर आपने प्रिंट के लिए कोई साइज सेव करना है, तो यहाँ पर आप PDF सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट के साइज जो है वो 2500 से लेकर 3000 तक। अगर आपका मोबाइल बड़ा है, यानी सपोर्टेड ज्यादा साइज सपोर्ट कर सकता है, तो आप 5000 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल पे डिपेंड करता है कि कितना मोबाइल आपका सपोर्ट करने वाला है, यानी कितना साइज वो सपोर्ट कर लेता है। रैम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जब सेविंग होती है तो बहुत ज्यादा रैम कंजम्पशन होती है, यानी आपकी जो स्टोरेज है उसकी कंजम्पशन होती है। उसके बाद वो फाइल जब बनती है तो मेमोरी बहुत ज्यादा ले लेता है। यहाँ इसको जैसे बाज़ औक़ात अगर आपने साइज ज्यादा रखा होता है तो वो क्रैश कर जाती है। तो ख्याल ये रखना है कि आप जो आपकी मोबाइल सपोर्ट करेगी जिस साइज को, उसके मुताबिक आपने उस पर रख के PDF में सेव करना है। तो ये आप प्रिंटेबल आपका जो फाइल है वो बन जाती है। यहाँ पर आप मिनिमल साइज भी दे सकते हैं, जैसे मुझे 1200 चाहिए तो मैं यहाँ से 1200 लिख लूंगा। और रेशो जो पहले हम स्टार्ट की डिजाइन के स्टार्ट में हमने लिया था, वही रेशो यहाँ पर रहेगा, यानी उसको आप चेंज दोबारा नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप GPG या PNG में भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया रहा कि PNG वो फाइल होते हैं जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास भी बैकग्राउंड तो है। तो अगर मैं इसको सेव भी कर लूँ तो सिर्फ फॉर्मेट PNG में रहेगा, बैकग्राउंड जो है उसका होगा, कोई मसला उसमें नहीं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस तरह GPG में भी आप सेव कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं नीचे की तरफ। हमने टेक्स्ट का पढ़ा कि टेक्स्ट में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, हमने पढ़ा कि जो शेप है उसमें क्या क्या फंक्शंस आते हैं नीचे। तो यहाँ पर एक है, यानी आप PNG जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें हम उसको हम किस तरह यूज करेंगे। मुख्तलिफ ऑप्शन है, बहुत ज्यादा है, तो इंशाल्लाह इस पर आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो ऑप्शन है, मैं कोई और डिजाइन ले लेता हूँ ताकि जिसमें कोई पिक्चर हो, ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरह उसमें चेंजेस करनी है।
मेरे पास ये पिक रुकी हुई है, मैं दोबारा ना कर लूं। आवाज आपकी कट रही है, आप दोबारा क्वेश्चन कर ले, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मेरी पिक वही जो 23 मार्च वाली वही रुकी हुई है स्क्रीन के ऊपर है। क्या मतलब? अच्छा, क्या मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं, स्क्रीन नजर आ रही है, वो जो 23 मार्च वाली स्क्रीन आपने ओपन की थी ना पिक, वही मेरे पास ऊपर खड़ी हुई है स्क्रीन के। चेंजेस नहीं आ रही, मतलब जो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, वो आपके पास शो नहीं हो रही? मेरे पास वो शो नहीं हो रही है। बाकी किसी के पास यही मसला है? नहीं उस्ताद, हमारे पास ये मसला नहीं है, मेरे ख्याल में उनके नेट का मसला है, अच्छा, सही आप होगा इसलिए दो... जल्दी में चेंज नहीं होता। जी, आप दोबारा ज्वाइन कर लें तो फिर आपके नेट का मसला है। अच्छा, कोई प्रोफाइल की पिक्चर यहाँ से देखते हैं जिसमें एक इमेज हो आप चेंज करने वाला। ठीक है, ये है सिंपल सा। ठीक है, तो इसमें ये एक पिक्चर है, ठीक है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ। तो पहले, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो आपकी पिक्चर है उसको, उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको बीजी रिमूवर एक ऐप है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने उसको किस तरह इंस्टॉल करना है और कैसे करना है। सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर पे। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके आप ऊपर लिखेंगे बीजी रिमूवर। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा लेकिन मैं बीजी रिमूव, तो सबसे पहले आपने बीजी रिमूव का एक मिनट, ये शायद आपको नजर आ जाए फिर, तो उसकी आइकॉन को चुनू है आपने। अगर अपनी पिक्चर्स जो है उससे बैकग्राउंड हटाना हो तो बीजी रिमूव एक ऐप है जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। उसका आइकॉन ये है, बीजी रिमूव, रिमूव डॉट बीजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे, ये थोड़े टाइम के बाद खुद बहुत इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक इमेज जो है उसकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के बगैर मैं सेव करने लगा हूँ ताकि मैं उससे डिजाइन में रिप्लेस कर सकूं। ठीक है, ये मैंने एक, मेरे पास एक पिक है जो कि मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से रिमूव किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करने लगा हूँ पीएनजी में, सेव होगा, देख लेते हैं कि हमारे पास गीली में आ रहा है नहीं। ठीक है, आ रहा है। अच्छा, रिमूव डॉट बीजी का आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब मैं यहां से, ये मैंने जो डिजाइन ओपन किया था, असल में बात यहाँ से शुरू हुई थी कि ये जो इमेज है मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ ताकि मेरी भी इमेज इसी तरह सेम पोजीशन पे आ जाए और खुद बहुत सेट हो जाए। ठीक है, तो उसका एक आसान तरीका है आप लोगों के पास, नीचे रिप्लेस का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे रिप्लेस के ऑप्शन पे,
और वो जो इमेज आपने पहले से रिमूव डॉट बीजी पे साफ की होगी वो आपकी गैलरी में होगी। तो यहाँ से मेरे पास ये आप लोगों को नजर नहीं आएगी, लेकिन आप यहाँ से मेरे पास गैलरी में है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जो इमेज है वो रिप्लेस की हुई है, तो वो कुछ इस तरह आ गया। क्या करना है, मैंने आगे रिसाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसको थोड़ा सा इस तरह नीचे लेके जाना है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो फंक्शन थे ना किसी और पर और टेम्पलेट में रिप्लेस करते हैं, ये टेम्पलेट सही नहीं थी। चलो ये वाला चेक करते हैं। ठीक है, इसमें अब ये मौलाना साहब की जो पिक्चर है उसको मैं रिप्लेस करने लगा हूँ, ठीक है, किसी और पिक्चर पर। ठीक है, तो इसको क्लिक कर किया, यहाँ से रिप्लेस के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, वो इमेज सेलेक्ट करूंगा जिसका बैकग्राउंड मैंने पहले से रिमूव किया है रिमूव डॉट बीजी पे। ठीक है, ये खुद बहुत थोड़ी देर बाद रिप्लेस होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, उसका सिर्फ साइज छोटा करना है। ठीक है, और ये इमेज सही तरीके से यहाँ पर नहीं आ रही, मतलब इसकी जो उसमें फर्क है, पोजीशन में फर्क है, तो उसको मैं यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे से ये थोड़ा सा और मदम करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, यहाँ से मेरे पास फीदर का ऑप्शन मौजूद है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इसका साइज जो है मैं इसको मैं बॉक्स में कर लेता हूं, और मुझे नीचे से चाहिए बाकी साइड से नहीं चाहिए, साइज जो है मैं इसको बढ़ा देता हूं। ठीक है, साइज और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहां से मुझे राइट साइड से भी नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हैं जो पिक्चर है रिप्लेस के ऑप्शंस के जरिए इजीली वो कन्वर्ट हो गई, यानी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी लिए, अपनी पिक्चर उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं आपकी जो भी पिक्चर हो आसानी के साथ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कलर्स, आप डिजाइन में जो भी इमेज यानी चीज किसी भी इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ये एक पीएनजी यूज हुआ है। ठीक है, तो पीएनजी इमेज जो है इसका कलर मैं ये आपके पास व्हाइट सा है ना, ग्रे सा, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, कलर पे क्लिक करेंगे तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर के शेड्स भी चेंज कर सकते हैं, यानी अब इसमें ये रियल कलर नहीं लग रहा, तो यहाँ से टेंट उसका ओवरले है, यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ ओवरले कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो नीचे के शेड्स हैं वो वाजे नजर आने शुरू हो गए, इसको आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर के ऑप्शंस में भी आप चेंज करके अपने डिजाइन में बेहतरी ला सकते हैं, तो पीएनजी को भी आप कलर्स दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एडजस्ट का, एडजस्ट के ऑप्शन से आप किसी भी पीएनजी की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी कलरिंग की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह ये मौलाना साहब की जो पीएनजी है इसकी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ब्राइटनेस मैं थोड़ा सा वाजे करने लगा हूँ, तो ये ज्यादा हो गए। ठीक है, तो इस तरह मैं उसके कंस्ट्रक्शन
जो कंट्रास्ट है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं उसमें जो कंट्रास्ट के कलर्स हैं वो वाज़े होने लगे हैं। इस तरह आप उसकी कलर सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, कलर्स ज़्यादा वाज़े हो तो उसके लिए ये है। इस तरह ह्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी आप किसी भी इमेज के ह्यू को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं कोई और इमेज ले आता हूँ आपके लिए, ताकि ह्यू को आप पहचान लें कि ह्यू किस तरह चेंज होता है। तो ये आप देख सकें इस बच्चे के पिक्चर में बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो ह्यू आप देख सकते हैं, ह्यू क्या काम करता है यहाँ पर। ह्यू को आप चेंज करेंगे तो ये कलर्स चेंज होंगे, ये देखें मुख्तलिफ टाइप्स उसके कलर्स जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे। ग्रीन जो है किसी और कलर में होगा, ब्लू किसी और कलर में हो जाएगा, रेड किसी और कलर में होगा। तो ह्यू जो है हमारे पास यहाँ पर कलर्स चेंजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको रीसेट कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है रेड। रेड किसी कलर में रेड को ज्यादा वाजे करने के लिए अगर आप इसको करेंगे तो रेड कलर्स ज्यादा वाजे हो जाएगा इस कलर में, ठीक है। इसको बिल्कुल कलर रेड कलर को खत्म करना है तो ये खत्म हो गया, इस पिक्चर से रेड कलर खत्म हो गया, तो जो दूसरे कलर्स हैं वो वाजे हो गए हैं। सर इसको अपनी जगह वापस लेके आते हैं। नीचे आ रहा है ऑप्शन ग्रीन, अगर इस कलर में से हमने ग्रीन खत्म करना है तो इसको खत्म कर लेंगे। नीचे ग्रीन के अगर आप खत्म कर लेंगे तो आपके बाकी कलर्स जो है, जो बाकी कलर्स हैं वो वाजे हो जाएंगे। इस तरह ब्लू, ब्लू के कलर को भी आप वाजे ज्यादा या कम कर सकते हैं किसी भी इमेज में। अच्छा, ये एक अहम फंक्शन है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्लर का कोई ऑप्शन है आपके ऐप में। जब हम कोई पोस्टर वगैरह बनाते हैं उसके बैकग्राउंड में कोई चीज डालते हैं तो उसको हम थोड़ा सा ब्लर कर रखते हैं, क्योंकि जो ऊपर की चीज है वो वाजे हो। तो यहाँ पर आप एडजस्टमेंट में ब्लर का हमारे पास ऑप्शन है, उसके क्लिक उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ब्लर हो गया है पिक्चर। तो बैकग्राउंड में किसी भी इमेज को ब्लर करने के लिए ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नॉइस का है, किसी इमेज में नॉइस ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नीचे के ऑप्शन में आप पिक्सेलेटेड किसी भी इमेज को पिक्सेलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद है क्रॉप का ऑप्शन, किसी भी इमेज को क्रॉप करना है यानी एक हिस्सा उसका रखना है, बाकी को तोड़ना है खत्म करना है, तो वो क्रॉप के ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वैसे तो क्लिप और मास्क से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से हम क्रॉप से कर लेते हैं, ठीक है। मुझे ये हिस्सा चाहिए, ये जगह चाहिए, ये अप्लाई करूंगा तो ये क्रॉप हो गया, ठीक है। तो उसके बाद एक ऑप्शन है स्टाइल का, स्टाइल का मैं आपको किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करूंगा तो आपको दिखा दूंगा कि किस तरह स्टाइल का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेजर का है, इरेजर के ऑप्शन को हम देखेंगे। किसी भी इमेज का जो नीचे का हिस्सा है या साइड के हिस्से हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं इससे, जैसे कि नाम से जाहिर है इरेजर, हल्का फुल्का रिमूव यहां से भी कर सकते हैं। रिमूव भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहां से भी कर सकते हैं, ओके कर लें। ये देखें इसमें पर मुख्तलिफ फंक्शन है आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि किधर गया रेजर,
हार्ड हार्ड मैंने यूज करना है, ठीक है, तो ये हार्ड मैं यूज कर सकता हूँ, हार्ड ब्रश जो है यहां से ये देखे सर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेजर है, यहां से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है आउटलाइन का, आउटलाइन का ऑप्शन मैं इंशाल्लाह स्टाइल के साथ आपको पढ़ाऊंगा, स्टाइल का भी पढ़ना है और आउटलाइन का पढ़ना है, दोनों ज्यादा कंबाइन है। फीदर का ऑप्शन है, फीदर के ऑप्शन के जरिए जैसे मैंने इस इमेज पे किया है, आप किसी भी इमेज का जो साइड है या ऊपरी हिस्सा है, साइड हिस्से हैं, उसको आप मदम कर सकते हैं। अक्सर जो डिजाइन होते हैं, जैसे मेरे पास ये फुल एक पिक्चर है, ठीक है, यहाँ मैं तमाम जो लेयर्स हैं उसको हाइड कर लेता हूँ, सिर्फ ये रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, और नीचे बैकग्राउंड को, सॉरी, नीचे जो बैकग्राउंड है वहां से मैं कोई कलर कर लेता हूँ ताकि पता चले आप लोगों को। अच्छा, तो ये एक इमेज है, यहाँ पर आपको मैं फीदर का ऑप्शन इस्तेमाल करना है। फीदर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है उसमें इस तरह का मध्यम सा वो इफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास टाइप्स हैं टू, पहले अगर आप चेक कर लें तो ऑप्शन है रिमूव का, रिमूव मनी मतलब इसका जो हम ये फंक्शन है उसको खत्म करना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं तो रिमूव कर लें। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है टाइप का, टाइप के पास हमारे पास दो ऑप्शन है, इस एक मतलब क्लिक करेंगे तो बॉक्स आ जाएगा, दूसरी मतलब आ जाएंगे तो गोल शेप, यानी गोल शेप में आपने ये फीदर ऑप्शन अप्लाई करना है या बॉक्स में। बॉक्स में करना है तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे, अगर गोल में करना है तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। तो बॉक्स में हम पहले इस्तेमाल करने लगे कि इसमें क्या क्या है हमारे पास। बॉक्स को हमने रखा है और साथ में ऑप्शन हमारे पास है साइज का, साइज पे क्लिक करेंगे, साइज के पास, साइज के ऑप्शन में हमारे पास अगर हम साइज को बढ़ाएंगे तो, एक मिनट मैं सबको ऑन कर लूं ताकि साइज को अगर मैं बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं पिक्चर में जो फीदर है वो उस पॉइंट उसके पॉइंट्स जहां से स्टार्ट होने वो कम या ज्यादा होंगे, ठीक है, सॉफ्टनेस उस पॉइंट से आगे जितना भी इमेज है वो उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। ये देखें, यहां से मैंने स्टार्ट करना है सॉफ्टनेस, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करना है, यहां से हो जाएगा, ठीक है, जहां से आपने सॉफ्टनेस स्टार्ट करना है साइज उस पॉइंट्स को कहते हैं, और साइज उसके उसको कंट्रोल करता है, और सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस को, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, दरअसल ये ऑप्शन जो है अगर आप चाहते हैं कि ऊपर से यानी ये फंक्शन अप्लाई ना हो, अक्सर हम जब इमेज का सॉफ्टनेस अप्लाई करते हैं तो अब अगर मैंने ऊपर से किया है तो ये उसके सर पे आ रहा है, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये ऊपर से ना हो, साइड से हो, ये ऊपर साइड इसी तरह रहने दें, तो क्या करेंगे उसके मुख्तलिफ ऊपरी हिस्से को मैंने बंद करना है, तो यहां से हम देखेंगे टॉप, टॉप को हम यहां से बंद कर लेंगे तो ये ऊपर का जो हिस्सा है वो बंद हो जाएगा, वहां से हो जाता है, ठीक हो जाता है। यहाँ से राइट पे मैंने करना है, राइट साइड से नहीं करना तो राइट को बंद कर लेते हैं, इस तरह बॉटम से बंद करना है बॉटम को बंद कर सकते हैं, लेफ्ट से बंद करना है तो लेफ्ट से बंद कर सकते हैं, एक हिस्से को एक हिस्से से करना है तो सिर्फ एक हिस्से से कर सकते हैं, यानी ये जितनी भी साइड हैं आपके कंट्रोल में, जहां से जिस साइड से आपने मर्जी फीजर का अप्लाई करना है कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टाइप में गोल, यानी गोलाई, गोल टाइप के फीदर आपने अप्लाई करना है। उसमें सबसे जो दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है वो साइज है, उसी तरह काम करता है जिस तरह ये बॉक्स में किया था हमने, यानी उसके साइज को कंट्रोल करता है और सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और ऑप्शन है पोजिशन, पोजिशन क्या काम करता है, पोजिशन दरअसल किसी भी इमेज में उस पोजिशन को आपने, यानी इमेज आपका तो बहुत बड़ा हो सकता है ना, तो जिस पोजीशन पे आपने ये फीदर अप्लाई करना है तो वो उसको चेंज कर सकते हैं इस मदद से, मतलब यहां से मुझे यहां पर ये चाहिए फीदर तो आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें
जिस जगह पर आपको फिदर चाहिए आप उसी जगह पे लाके छोड़ दें, बस इस तरह। इनवर्ट का ऑप्शन है, मुझे दरमियान में खाली चाहिए, बाकी साइड से मुझे फिदर चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये या इन्वर्ट करूंगा तो दरमियान में से ये खाली हो जाएगा, बाकी साइड जो है वो आपके ठीक रहेंगे। जिस तरह मैं अब बैकग्राउंड चेंज करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ये देखें, यानी ये दरमियान में से खाली है। यहां पर मैं फीडर पे दोबारा जाता हूं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ओपेसिटी का, ओपेसिटी का ऑप्शन नहीं है, दरअसल ये नीचे वाला ऑप्शन नजर आ रहा था, सॉरी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एम्बोस, इनर शेडो और रिमूव कलर। रिमूव कलर का पढ़ते हैं या एम्बोस और इनर शेडो, फिर आउटलाइन और स्टाइल, ये आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, इसमें बहुत सारे चीजें हैं तो हम उसको देखेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिमूव, रिमूव कलर का। यहां से मैं फिलहाल फीडर को कर देता हूं बंद, ठीक है, और यहां से रिमूव कलर पे आ जाता हूं। रिमूव कलर पे क्लिक करूंगा तो कलर के ऑप्शंस पे मैं जिस कलर को सेलेक्ट कर लूं, मतलब मुझे ये पिंक कलर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इस इमेज से पिंक कलर रिमूव कर देता है। ये देखें, जितनी आप इंटेंसिटी इसकी बढ़ाएंगे, शिद्दत बढ़ाएंगे, तो उसकी वो पिंक कलर उतना रिमूव होगा, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा मुझे येलो कलर रिमूव करना है, तो येलो कलर को आप भी रिमूव कर सकते हैं। इस तरह के फंक्शन जो है ये रिमूव कलर के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक्स्ट्रा फिल्टर्स। अच्छा, पहले रिमूव कलर जो है उसको खत्म कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ग्रे में करना है इमेज को कर सकते हैं, इन्वर्ट करना है इन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, सीपीआर फंक्शन अप्लाई करना है, मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर हैं जो आप किसी भी इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं, ठीक है, ये आप चेक कर ले फिर। उसके बाद रिस्टर इफेक्ट्स हैं, अगर किसी इमेज पर आपने इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं तो उसको रिस्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्क्यू, जिस तरह हमने कलर्स नहीं शेप और टेक्स्ट में पढ़ा था, ये उसी तरह का स्क्यू हुई फंक्शंस है इसके। अच्छा, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे एम्बोज, फीडर, स्टाइल्स और आउटलाइन, ये बहुत अहम चीजें हैं, अक्सर डिजाइन में इस्तेमाल होती हैं, तो आपने जरूर कल इस पे साथ देना है, ठीक है। आज के क्लास में अगर आपको आज के क्लास में अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूँ।